वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करती है कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर में। तो बेसिकली अगर अपन कंडक्टर में देखें तो कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब आप टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर के अंदर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होने लगता है, मीन्स वो रैंडमली इधर उधर फ्लो होने लगते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी कंडक्टर वाले वीडियो में बताया था कि जब आप कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है तो वो रैंडम इधर उधर मूव होने लगेंगे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है तो इधर उधर रैंडम मूव होने लगेंगे, और इनका जो इंटर एटॉमिक मीन्स जो बॉन्ड है तो उसमें वाइब्रेशन होने लगता है ना। इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन। ये भी बढ़ जाता है, ठीक है, इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन और आपका रैंडम मोशन। ये दो चीजें कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये दोनों इंक्रीज होने लगती हैं, है ना। तो ये दोनों इंक्रीज होने लगती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजिली नहीं हो पाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इजिली नहीं हो पाएगा, मीन्स करंट का फ्लो भी इजिली नहीं हो पाएगा, तो करंट का फ्लो इजिली नहीं हो पाएगा तो रेजिस्टिविटी उसकी हम ये मानेंगे कि इंक्रीज हो गई है, है ना। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे फिर इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो उनका कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज्यादा संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो फिर हम ये बोलेंगे वहां पे रेजिस्टेंस कम हो गया है। तो सेमी कंडक्टर के केस में वहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। तो जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस अपन लेते हैं तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या मेजर करता है, इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज, ठीक है। मीन्स किसी भी सब्सटेंस में अगर पर डिग्री टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट करता है ये मेजर करेगा आपका टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है। तो जैसे कि इस डायग्राम से आप देख रहे हो, जब आप जीरो से मीन्स किसी भी सब्सटेंस में अगर जीरो से इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो वो लीनियरली इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होता जाता है। बट अगर आप इसको जीरो से पीछे ले आओगे, थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे ले आओगे, तो जो वेरिएशन है ये अब लीनियरली नहीं जाएगा, ये यहाँ पे अब लीनियरली नहीं जाएगा, है ना। ये नॉन लीनियर वेरिएशन शो करेगा, बट यहाँ पे क्या है, ये लीनियर वेरिएशन शो कर रहा है ना। यहाँ पे ये लीनियर है और यहाँ पे ये नॉन लीनियर, ठीक है। तो अच्छा, जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है तो तीन चीजों पे निर्भर करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है वो, कैसे। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड द राइज ऑफ टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस जो भी आप मटेरियल लिए हो उसका टेम्परेचर कोफिशियंट उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा कि उसका फाइनली रेजिस्टेंस कितना होएगा। तो इन तीन बातों पर ये निर्भर करेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस उस मटेरियल के टेम्परेचर कोफिशियंट पे डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं इसको, अगर किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी सपोज R1 है एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, किसी सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी R1 है एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आप टेम्परेचर राइज करते हो उसमें सब्सटेंस में, तो अब रेजिस्टिविटी हो जाएगी R2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फर्स्ट वहां पे R1 थी एट T1 डिग्री सेल्सियस, फिर आपने टेम्परेचर राइज किया T2 डिग्री सेल्सियस किया, तो अब रेजिस्टिविटी कितनी हो गई R2, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे
आर टू हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो तीन चीजों पे मैंने बताया था कि डिपेंड करती है, ठीक है, इनिशियल में जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगी। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज मीन्स आर टू माइनस आर वन, किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो आर वन हो गया। नेक्स्ट, चेंज इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, राइज इन टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट था, मीन्स टी टू माइनस टी वन। फिर क्या बोल रहा, चेंज इन रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा था, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर कोफिशियंट, उस सब्सटेंस के टेम्परेचर कोफिशियंट पे, है ना। तो ये भी अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अल्फा है, इसको सपोज अल्फा डैश कह लेते हैं अपन, है ना। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब इसको अगर कंबाइन करें अपन, तो ये मिलेगा आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वन टी टू माइनस टी वन इंटू अल्फा डैश, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अल्फा कैसे, यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, सपोज ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा अगर, तो सपोज कुछ कांस्टेंट ले लेंगे के, और ये अल्फा डैश, इसको मैं बोल दिया अल्फा, ठीक है। तो अल्फा आर वन टी टू माइनस टी वन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जो आर टू जो फाइनल चेंज आएगा, तो वो क्या आएगा, आर वन प्लस अल्फा आर वन टी टू माइनस टी वन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर वन कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, ठीक है, आर टू। ओके, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर टू इज इक्वल टू आर वन, वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन। ओके, अच्छा, अब अपने को ये मालूम है कि अगर अपन कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ एल है, लेंथ उसकी एल है, ठीक है, ये लेंथ हो गई एल, और एरिया ए है, तो उसकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो वो कैसे डिनोट होगी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, इस फॉर्मेट में अपन लिखेंगे। अगर मैं ये मान लूं कि एल इज इक्वल टू वन है और एरिया इज इक्वल टू वन है, ठीक है, 1 मीटर, और ये 1 मीटर स्क्वायर है, अगर ये ले लें तो आर विल बी इक्वल टू रो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहां पे रो टू इज इक्वल टू रो वन इंटू वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, इस अल्फा को ही बोलते हैं एक्चुअली में टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है, इस अल्फा को ही क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, कंडक्टर के केस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कंडक्टर के केस में क्या होगा कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजी फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो वो इंक्रीज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पीटीसी,
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है ना, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, मीन्स जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो वो डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? एनटीसी है ना। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हुआ, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हुआ, ये कंडक्टर के केस में हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर के केस में। तो इसमें कंडक्टर पीटीसी होते हैं और सेमीकंडक्टर एनटीसी होते हैं। ओके, तो ये था आपका टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कंडक्टिविटी जो आपकी होती है, तो कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। बट सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? सेमीकंडक्टर के केस में आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है कंडक्टिविटी की, उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा टी डैश है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर टी डैश, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर टी डैश मीन्स विद्युत चालकता एट टेम्परेचर टी डैश, और सिग्मा टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर टी, और अल्फा यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कॉम्पनसेशन स्लोप ऑफ मटेरियल। तो इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन स्लोप, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे, है ना, उस मटेरियल का। और टी डैश कॉमन टेम्परेचर है और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं? परम ताप हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? परम ताप, ठीक है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी इस फॉर्मूले से दी जाती है कंडक्टिविटी की। ओके, थैंक यू।